को-स्पॉन्सर कोलंबिया फाउंडेशन स्कूल एंड प्ले हाउस, हाता सितारा बेगम, हरदोई रोड, चौक, लखनऊ। medzoo.com डिजिटल इंडिया की डिजिटल फार्मेसी। ये किंग मेडिकल द्वारा लॉन्च किया गया। किंग मेडिकल गुणवत्ता और विश्वसनीय दवाओं के वितरण में 100 से अधिक वर्षों के परिचालन अनुभव के साथ भारत की सबसे विश्वसनीय फार्मेसियों में से एक है। दीन इस्लाम इल्म हासिल करने पर सबसे ज्यादा जोर देता है, लेकिन क्या दीनी इल्म जदीद साइंस, टेक्नोलॉजी या मॉडर्न एजुकेशन से अलग है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा अहमियत गौर व फिक्र करने को दी है। और साथ ही साथ कलाम पाक में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? तो फिर हमारे बच्चे जदीद इल्म हासिल करें, इसके लिए हम क्या और कितनी कोशिश कर रहे हैं? जो गरीब बच्चे आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप चाहते हुए भी गरीबी की वजह से उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते, अब उनके लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए? तो आइए इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस शॉर्ट फिल्म के जरिए। फरहान साहब, वल्ला आपके बेटे का वलीमा देखकर बड़े बड़े बादशाहों की शादियां याद आ गईं। ऐसा वलीमा पूरे खानदान में तो क्या पूरे शहर बल्कि पूरे मुल्क में देखने को नहीं मिला। अरे नाजिर मियां, कल से मुबारकबाद के इतने फोन आ गए कि एकदम तंग आ गया, मैंने स्विच ऑफ कर दिया। नमक फरहान साहब, क्या अपने बेटे की शादी आपने कर दी? मैं तो देख के बिल्कुल चकाचौंध हो गया। क्या सजावट, क्या आतिशबाजी, क्या लाइट लगी हुई, देखकर मजा आ गया। वाह 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 वाह, क्या शादी अपने बेटे की आपने की। अरे नाजिर मियां, मैंने अपने बेटे के वलीमे में पूरे 70 लाख रुपए खर्चा किए हैं। नाजिर मियां, मेरा अरमान था कि मैं अपने अकलौते बेटे की शादी इतनी धूमधाम से करूँ कि जो भी आए अपने दांतों तले उंगलियां चबा ले। अम्मा, आपके पड़ोसी अजमल मियाँ अपनी बेटी की शादी में बहुत इतरा रहे थे, अब आंखें फटी रह गई होंगी। अरे उस फटीदल अजमल का मुकाबला भला हमसे? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। सो तो है गुफरान साहब, लेकिन आपने अपने इकलौते बेटे को खूब आला तालीम दिलवाई होगी, वो ज़रूर किसी अच्छी कंपनी में मुलाजिम होगा। आला तालीम और मुलाजिम? अम्मा नाजिर मियाँ, क्या आप भांग खा गए? अरे मेरा खानदानी कारोबार तो खुद इतना बड़ा है कि हम लोग खुद दूसरों को मुलाजमत देते हैं, हमारे साहबजादे को क्या जरूरत है किसी की मुलाजमत करने की। सो तो है, फिर भी उसने आला तालीम तो हासिल की होगी। अरे फिर वही बेवकूफ़ी की बात, हमें जब कहीं मुलाजमत बेटे को नहीं करना है, हैं, तो तालीम की क्या जरूरत? ये बात भी दिमाग में घुसती है। मोहतरम, आप लोगों की गुफ्तगू में दखलंदाजी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों की बातों से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। अम्मा मियाँ, आपकी तारीफ जी, इस नाचीज़ को एहसान अली कहते हैं। मैं एक छोटा मोटा एनजीओ चलाता हूँ जो बच्चों की तालीम के लिए काम कर रहा है। अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके कीमती वक्त में से मैं थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगा। अरे आप इधर ही तशरीफ़ ले आइए, लेकिन एक बार समझ लीजिए कि आप किसी तरह मुझे कायल नहीं कर पाएंगे। मियाँ, इस नाचीज को इसी बहाने आप जैसे एक अच्छे इंसान से खुलकर गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। तशरीफ रखिए। अरे सो तो है एहसान मियां, लेकिन आपसे बहस मैं अपने घर पर करना चाहता हूं, किसी तरह मेरे घर पर तशरीफ ले आइए, फिर बैठ के बातचीत होती है। और ये है मेरा पता। गुफान साहब, लेकिन हम लोग तभी बिरयानी खाने आए हैं, कसम खुदा की इस रेस्टोरेंट की बिरयानी बहुत जबरदस्त होती है। अस्सलाम वालेकुम गुफरान साहब। वालेकुम अस्सलाम एहसान साहब, आइए तशरीफ लाइए। हाँ तो गुफरान साहब बताइए, आपने हैसियत होते हुए भी अपने बेटे को एजुकेशन नहीं दिलाई, क्योंकि आपके ख्याल से एजुकेशन सिर्फ मुलाजमत करने के लिए होती है। जी हाँ जनाब, तरक्की के लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। मैंने खुद भी कहीं से तालीम हासिल नहीं की और फिर भी कारोबार देखिए खूब अच्छी तरह से जमा लिया है। ज़ाहिरी तौर पर तरक्की का ताल्लुक
एजुकेशन से नहीं दिखाई देता, लेकिन ये एजुकेशन और इल्म ही है जो पूरी कौम को बुलंदी की तरफ ले आती है, और जाहिलियत पूरी कौम का वजूद मिटा देती है। मसलन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करो, उसके लिए भले ही तुम्हें चीन तक क्यों ना जाना पड़े। इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम नज़्जुल बलागा में फरमाते हैं कि इल्म की तरफ बढ़ो कबल इसके कि अहले इल्म से इल्म सीखने में अपने ही नफ्स की मसरूफियात हायल हो जाए। देखिए इस्लाम दीनी इल्म की बात करता है और दीनी इल्म हमने और हमारे बेटे ने बखूबी सीखा है और कुरान भी रटे हुए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि इस्लाम के गोल्डन पीरियड में लोगों ने सिर्फ कुरान को पढ़ा या रटा ही था? क्या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की यूनिवर्सिटी में कुरान को सिर्फ पढ़ना और हिफ्ज करना ही सिखाया जाता था? क्या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कोई यूनिवर्सिटी भी बनाई थी? बेहतर है कि आप इस वीडियो को देखें। दुनिया 6वीं ईस्वी से 13वीं सदी ईस्वी को इस्लाम का गोल्डन पीरियड जानती है। ये साइंस और सिविलाइजेशन का ज़माना था और इसकी शुरुआत मदीने के उस मकतब से होती है जो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने कायम किया था, जिसे आगे की तरक्की दी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने, और 4000 शागिर्दों ने उनके दर से फैज़ हासिल किया। इस यूनिवर्सिटी में तमाम उलूम पर बात होती थी, जिसमें तौहीद, थियोलॉजी, फ़लसफ़ा, फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और केमिस्ट्री वगैरह शामिल है। उस ज़माने में जहालत के मुकाबले में दानिश्वरों की भीड़ तैयार हो गई, जिसमें फ़ादर ऑफ़ केमिस्ट्री जाबिर इब्ने हय्यान, फ़ादर ऑफ़ मेडिसिन अबू अली सीना उर्फ अविसिन्ना, सर्जरी के मास्टर अल ज़हरावी, अल जबरा के इजादकर्ता ख्वारिज़्मी, फ़ादर ऑफ़ ऑप्टिक्स इब्ने अल हैथम जैसे तमाम साइंसदानों के नाम शामिल हैं। रोशनी के उसूलों, रिफ्रेक्शन और रिफ्लेक्शन को पहली बार बताया इब्ने सहल ने। कुतुबुद्दीन अल शेराज़ी ने रेनबो की बनने की सही वजह दुनिया के सामने पेश की। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एक्वारीजिया जैसे अहम केमिकल की इजाद की थी जाबिर इब्ने हय्यान ने। अबू अली सीना ने नई दवाइयों के लिए तकनीकें डेवलप की, और इन सब साइंसदानों की जड़ें जाकर मिलती हैं इस्लाम से और इस्लाम के रहनुमाओं यानी अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम से और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की कायम करदा यूनिवर्सिटी से। अरे राजू, मेरे दोस्त असलम भाई घर पर आ रहे हैं, उनको ज़रा तुम बिठा लो, मैं फार्म हाउस पर हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ एहसान साहब, आप क्या फरमा रहे थे? जी गुफराज साहब, मैं आपको यही बता रहा था कि मैंने आपको जो वीडियो दिखाई थी उससे यही साबित होता है कि दीनी इल्म और दुनियावी इल्म में कोई फ़र्क नहीं। कुरान का सूरह रहमान इंसान से कह रहा है कि इंसान, तू अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को छुटलाएगा? अब आप ही बताइए, बग़ैर इल्म हासिल किए क्या कोई भी अपने रब की नियामतों को समझ सकता है, उसको पहचान सकता है? अरे ये तो अनपढ़ भी जानता है मियाँ कि पेड़ों पर लदे फल अल्लाह की नेमत हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये नेमत अल्लाह की और ना जाने किन किन नेमतों का नतीजा है। मसलन फल के दरख्त के नशोनुमा के लिए हवा और पानी का निज़ाम, और पानी के लिए बारिश का इंतज़ाम, और बारिश के लिए बादलों के बनने का निज़ाम। हाँ, इतनी गहराई तक तो बहुत कम लोग सोच पाते हैं। ये सब वही लोग सोच पाते हैं जो इल्म वाले होते हैं। दरहकीकत दीनी मामलात में भी अल्लाह की मार्फत इल्म के बगैर मुमकिन नहीं है। इल्म रखने वालों की नमाजें बेइल्म की नमाजों से कहीं ज़्यादा अफजल होती हैं। जैसे जैसे किसी इंसान का इल्मी दर्जा बढ़ता है, वो वैसे ही वैसे वो दीन के उतना ही करीब होता जाता है, उसकी मार्फत में इजाफा होता है। आपकी बातें दिल को लगती हैं एहसान साहब, शायद इतनी मसरूफियत और ज़्यादा इल्म हासिल करने की मेरे में कुव्वत अब नहीं है, और मेरा बेटा भी हद से ज़्यादा मसरूफ हो चुका है। गुफरान साहब, मैं तो आपसे कुछ और ही उम्मीद रखता हूँ। कैसी उम्मीद एहसान साहब? वो उम्मीद जो मुल्क और कौम के हज़ारों बच्चों की है, वो उम्मीद अच्छी तालीम की है। आज से 10 साल पहले मैंने एक बच्चे की आंखों में आंसू देखे थे जो उसके ख्वाबों के टूटने के डर से निकल रहे थे। अस्सलाम
अरे ये तो अपने मोहल्ले के रफीक की बेटी है, क्या बात है बेटी, इस तरह क्यों रो रही हो? मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, अब मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। अरे बेटा ऐसा क्यों, चुप हो जाओ, स्कूल में क्या तुमने कोई शरारत की है? क्यों मेरे लाल बोलो। नहीं हमने कुछ नहीं किया है, स्कूल में मेरी फीस नहीं जमा है। फीस नहीं जमा है, कोई बात नहीं, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे स्कूल में बात करता हूँ। प्रिंसिपल साहिबा आपको मालूम है कि इस मासूम को इस तरह से निकाले जाने पर इसके दिल पे कितना गहरा असर पड़ा है। इस बच्चे की आंखों में आंसू देखिए और इसके चेहरे की मायूसी देखिए। आपकी फीस तो देर सवेर मिल ही जाएगी, लेकिन इसके दिल पर जो गहरी चोट पहुंची है क्या वो कभी भर पाएगी? देखिए हम मजबूर हैं, ये एक प्राइवेट स्कूल है और यहाँ बच्चों की फीस से ही स्टाफ सैलरी और दूसरे खर्च पूरे होते हैं। हम किसके किसके साथ हमदर्दी दिखाएं, इस बच्ची की फीस पूरे 4 महीने से नहीं आ रही और अब आगे आने की उम्मीद भी नहीं है। क्यों उम्मीद क्यों नहीं? मैंने मालूम किया था, इसका बाप बिजली का काम करता था, पोल से गिर गया, नतीजे में उसकी रीढ़ की हड्डी बेकार हो गई। उसने खुद ही कहलाया है कि आगे से वो इसकी फीस नहीं जमा कर सकता, ये जबरदस्ती आ रही थी इसलिए मैंने आज सख्ती से मना कर दिया। देखिए बच्चे को पढ़ने का शौक है तो इसकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है, आज से इसकी फीस भरने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। खुदा ना करे कभी किसी बच्चे को तालीम से महरूम होना पड़े, इसमें पूरी कौम की जिल्लत है। उसी वक्त मेरे दिमाग में एनजीओ बनाने का आइडिया आया जो अब तक हजारों बच्चों के एजुकेशन में मदद दे रहा है, और अब उन बच्चों की मदद के लिए सैकड़ों हाथ हमारे साथ आ चुके हैं। गफरान साहब आपसे गुजारिश है कि आप हमारे एनजीओ के ऑफिस में तशरीफ ले चलें। हाँ हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर चलूँगा। तशरीफ रखिए। गफरान साहब हमारे एनजीओ में काउंसलिंग सेंटर भी है, क्योंकि हमारे बच्चे डिग्रियां तो हासिल कर लेते हैं लेकिन डिग्रियां हासिल करने के बाद आगे चल के उन्हें कौन सा करियर चुनना है इसका उन्हें पता ही नहीं होता। जिन्हें साइंटिस्ट बनना चाहिए वो कभी मैनेजमेंट और कभी आईएएस की तैयारी में जूझते रहते हैं, वहीं जिनके पास मैनेजमेंट का हुनर होता है वो कभी साइंटिस्ट और कभी इंजीनियर बनने की कोशिश करते रह जाते हैं। एहसान साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम में जब तक आप जैसे खैरख्वाहों की मदद शामिल नहीं होगी ये मिशन मुकम्मल नहीं हो सकता। मतलब थोड़ी वजाहत करेंगे? गफरान साहब आज भी बहुत से घरों के बच्चे अच्छी तालीम के लिए आप जैसे नेक इंसानों की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। गफरान साहब आपने अपने बच्चे के वलीमे में 70 लाख रुपए खर्च किए, अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे, लेकिन वो वलीमा लोगों को कितने दिन याद रहेगा? उस दावत में शामिल लोग कुछ दिनों तक उसका जिक्र करेंगे, उसके बाद सब अपने अपने कारोबार में मसरूफ हो जाएंगे। लेकिन गफरान साहब अगर आप उस रकम का सिर्फ 10% हिस्सा उन बच्चों के एजुकेशन पर खर्च कर दें जिनके अंदर पढ़ाई का जज्बा है लेकिन गरीबी की वजह से स्कूल जाने के लिए तरस रहे हैं, तो गफरान साहब ये बच्चे आपको जिंदगी भर दुआएं देंगे। कल को ये बच्चे किसी काबिल होकर कौम की खिदमत करते हैं तो उसके सिले में आपका भी हिस्सा होगा। अच्छा इल्म हासिल करना या इल्म हासिल करने में मदद करना ये एक ऐसा सप्ताह जारिया है जिसका कोई मोल नहीं है। सच आज आपने आंखें खोल दी, मैंने भी फजूल खर्ची पर कभी ध्यान नहीं दिया। एक और अहम बात कि हमारे एनजीओ और हमारे डोनर्स के बीच में पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है, डोनर को पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि उसकी रकम किन किन बच्चों को और किन किन स्कूलों में दी जा रही है। एहसान साहब मैं आपको ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, अपनी तरफ से इन बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई भी रकम आप भर लीजिएगा। अच्छा एहसान साहब अब इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया गफरान साहब। तो नाज़रीन आपने देखा कि हमें किन बातों को अमल में लाने की ज़रूरत है जो मुआशरे और समाज के हालात बदल सकते हैं। अब इंतज़ार है आपकी पहल का जिसके लिए हज़ारों लाखों बच्चे आपकी राह देख रहे हैं। अपने आसपास और ख़ासकर अपने मोहल्ले से शुरुआत कीजिए और देखिए कि कहीं कोई बच्चा तालीम से तो महरूम नहीं हो रहा है। आपकी एक पहल ना जाने कितनों की ज़िंदगी बदल सकती है। बेशक
ये सवाब जारिया है।